सूचना है रतन जी, एक आवश्यक सूचना है। वो मिस कॉल नंबर आप अपने मुंह से बोल दें और लोगों को कहें कि उस पे मिस कॉल करें। 96 मैं पेन से लिख के दे रहा हूं आपको। एक बार हमें लास्ट वॉइस है उसी मुंह ही दूं खाली। और पहला तो एक बार पहला बस 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 पहले एक बार जय बोलेंगे। बोलो श्री जयतेश्वर भगवान की। नहीं आयो मजो, थोड़ा स्टेज में से सब अब थोड़ा साइड में हो जाओ, पीछे थोड़ी हवा भी आएगी ठीक रहेगा, थोड़ा पीछे हो जाओ सब। हाँ बस आ गए मेरे पास। मजो नहीं आया भाई, छाई नहीं पड़े के कौन आया है जोधपुर में। खाली लाल पगड़ी देवाती मतलब नहीं है, एक हाको वेनो सही जाओ वही जोड़ती वेनो सही जाए। बोलो श्री जयतेश्वर भगवान की। बोलो श्री भगवान शिव शंकर महादेव की। बोलो श्री शान्नेश्वर महादेव की। बोलो श्री आपेश्वर महादेव की। हमें लागून करंट आयो हमें। इस राजस्थान राज्य की पावन धरा पर और इस राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में बरसों बाद पहली बार आजाद राजस्थान की सरकारें जब से गठन हुई और इस देश के आजाद होने के 77 साल बाद पहली बार ये लाल पगड़ी वाला रेबारी राय का समाज इस राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक में इतिहास बनाने के लिए जो आया है, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आपके समाज की, इस समाज की प्रत्येक मेरी मातृशक्ति मेरी माँ जिन्होंने ये सूरवीर जन्म किए समाज, उन्होंने अपने घर पे एक घर एक ढाणी के अंदर व्यक्ति नहीं रहा और उम्र क्या आया है कि मैं कहां जा रहा हूं। अभी बात चल रही थी कि महाकुंभ में क्या है, हम मेले में जाते हैं क्या, पता होता है कि क्या होता है मेले में? नहीं पता होता है। कुंभ शब्द क्या है मुझे कहने की आप लोगों को जरूरत नहीं, और वो भी महाकुंभ। ये समाज जो बरसों तक सामाजिक शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहा और इस दृष्टि पे इस सृष्टि पे इस धरती पे ईश्वर ने जिन पशुओं को भेजा, हमने हमारा कर्तव्य निभाने में हम इतने पीछे चले गए कि आज उसके आगे होने के लिए जो मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं वही महाकुंभ है। उसी का नाम महाकुंभ है और उसी का महाकुंभ का संदेश है। आज मेरे कई आदरणीय वरिष्ठ जन यहां बैठे हैं, सारे मेरे नौजवान लोग, माताओं बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे पत्रकार मित्र, सब लोग यहां बैठ के पूरे राजस्थान को यह नजारा बता रहे हैं। साथियों, महाकुंभ क्यों बुलाया? राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपने प्रत्येक 5 साल में देखा होगा कि विभिन्न समाज जयपुर या जोधपुर में एकत्रित होकर अपनी समाज की ताकत बताते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं और इस राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम तो आज इकट्ठे हुए 77 साल बाद, और इकट्ठे हुए तो कैसे हुए? इकट्ठे हुए तो ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर शाम तक इसकी चर्चा होने लग जाएगी कि हम इकट्ठे ऐसे हुए। 3 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे इन हमारे युवा मित्रों ने ट्रेंड चलाया था, और कितने मिनट रहा? 5-7-8 मिनट तक। तो उस दिन रात को 8 बजे बाद
पूरे देश के अंदर हमारे महाकुंभ ने ट्रेंड किया और सर्वोत्तम प्रथम ट्विटर पे हमारा आती है रबारी समाज का महाकुंभ रहा, 8 बजे से लेके 8 बजे के 10 के बीच में। अब मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। हम समाज के लोग यहां एकत्रित हुए, शिक्षा के लिए सब अपने हिसाब से मदद करते हैं, सब लोग बच्चों को कई हद तक पढ़ा रहे हैं, छात्रावास ही बन रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, आगे कितनी मजबूती से करें इसकी योजना बननी चाहिए। इसके बाद राजनीति की बात आई, सबने बात की राजनीति की, एमएलए एमपी की। मैं आज कोई सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें नहीं जाऊंगा, क्या करना है, क्या स्थिति है, क्यों है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज वर्ष 2023 है और ठीक 20 साल पहले वर्ष 2003 में हम लोग यहां जोधपुर में भी इकट्ठे हुए थे। हम सबका सपना था कि हमारा कोई ना कोई भाई राजस्थान से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े, इस राजस्थान की बड़ी पंचायत में हमारा व्यक्ति पहुंचना चाहिए। ये सागर रायका जी हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे रघु भाई आज पर्यवेक्षक बन के आए, 2000 में 20 साल पहले 2003 में ये सागर रायका जी पर्यवेक्षक थे जोधपुर संभाग के, और राजस्थान में, राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले रेबारी समाज का व्यक्ति आप लोगों ने मुझे चुना जो चुनाव लड़ने लायक हुआ, राजस्थान की पंचायत में चुनाव लड़ा मैंने। और हमने हार नहीं मानी, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, भोपाल जी अध्यक्ष बने, पुनः चुनाव लड़े, जीत के गए। मैं पहली बार जीत के गया, पहली बार को बनाते नहीं थे, मगर मुझे उस समय सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया और आने वाली सरकार में भोपाल जी को मंत्री बनाना पड़ा। चलता रहेगा सिलसिला। ये जो गुजरात के हमारे भाई बैठे, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे, सागर भाई हो, गोवा भाई हो, रणछोड़ भाई हो, रघु भाई हो, मावजी भाई हो, ये पड़ोस में है, हमारे सुख दुख के गवाह और भागीदार बने, हमेशा अलग अलग जगह हम लोगों की मदद की है, राजनीति में स्थापित होने में हमारी मदद की है, कभी हम पीछे नहीं हटे, हौसला नहीं हारे। 20 साल पहले हमारे पास क्या था, वहां तो बन गए थे एमएलए एमपी अध्यक्ष, मगर इन लोगों ने हमको निराश नहीं होने दिया। हमारे समाज का, पूरे मुल्क में और पड़ोस में गुजरात और राजस्थान का ये प्रेम बना रहे, आप सबका आशीर्वाद सब पे रहे और ये समाज प्रगति करे, इसके बारे में आप लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमारे सभी सम्मान्य साधु संत बिराजे हैं, अब तो आपके भी आशीर्वाद की जरूरत है। अब क्या हुआ, 2008 के पहले सिरोही में सान्नेसर महादेव में एक सम्मेलन हुआ समाज का, गुजरात के सारे नेता ही आए, मुझे याद है उस समय वो विधानसभा में अभी जो उपाध्यक्ष है भवान भाई भरवाड़ वो भी आए थे, और उन्होंने कहा कि आप लोग चुन के जाओ, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का। 2008 में आपके दो प्रतिनिधि राजस्थान के विधानसभा में चुन के गए और राजस्थान के राजनीतिक में पहली बार इतिहास बना कि 50-60 साल बाद में पहली बार कोई दो व्यक्ति रबारी समाज का जो है वो विधानसभा में जाके चुन के जाके बैठे वहां पर। और उसके बाद में 2013 का चुनाव आया, 2 में से कितने रहे, जोर से बोलो, जानते हो, राजनीति सब जानते हो, 1। आवाज आ रही है ना, आपकी आवाज है, मेरी नहीं है। और 2013 के बाद 2018 का चुनाव आया, ये 5 साल हुए, कितने हैं, जोर से बोलो, और जोर से, अरे नहीं आ रही आवाज, जोर से मुंह हटा दे बोलो, मैंने ध्यान नहीं पड़ता, होम लो, ये 0। कौन दोषी है,
वो क्यों आए हो? नहीं, आप लोग दोषी नहीं हो। जो भी नेतागिरी करते हैं नेता मेरे समेत, वो सब दोषी है, आप में से कोई दोषी नहीं। आप में से दोषी होते तो 400 भेड़ पालक मध्य प्रदेश में अपनी रेवड़ रख के, और ट्रेन एक दिन पहले आती है, रोज वो ट्रेन है नहीं, एक दिन पहले वो ट्रेन पकड़ के जोधपुर अपने गांठ के पैसे खर्च करके वो भेड़ पालक और वो पशुपालक आज यहां नहीं आते अगर आप लोग दोषी होते तो। आप लोग दोषी होते तो आप लोग इतनी संख्या में यहां नहीं आते। आप लोग दोषी होते तो आज जो मां घर पे बुजुर्ग 80-90 साल की मां बैठी है, उसने भी अपने बेटे और पोता पोती को कहा कि जा बेटा वटे जोधपुर में मां कुंभ वेरियो थोड़ा वटे जाए ना, मारी बाटी तो पागती थी लावेन खाऊ पूरी, थारे मां कुंभ में जाओ। आप लोग दोषी होते तो ऐसी बात नहीं होती। दोषी हम लोग है, मैं भी हूं, साथ काम करने वाले विभिन्न नेता कार्यकर्ता वो लोग दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि काम तो राजनीति में करना पड़ेगा। ये जो 2008 से 18 पे जीरो पे आ गए हो, और कड़वी बात तो कहनी पड़ेगी। कड़वी बात क्या कि मैंने नुकसान उठाया है, उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर समाज को अगर राजनीतिक रूप में स्थापित करना है, अच्छी तरह से स्थापित करना है, 36 कौम का प्यार आशीर्वाद मोहब्बत लेके आगे बढ़ना है, तो हम सबको कड़वी बात करके अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और ये समाज जो आंख लगा के हमारे सामने यहां बैठी है, हमारी हैसियत जो बनाई है, इस मंच से लाखों लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं, उस हैसियत को आपको आदर के रूप में, भावना के रूप में रखना पड़ेगा, और पल पल सोचना पड़ेगा कि जो हूं मैं इनके लिए हूं, मैं इनके लिए सोचना पड़ेगा और इनके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, तब जाके राजनीति में वापस आपका खाता खुलेगा, नहीं तो उससे पहले खाता नहीं खुलेगा। और रोज काम करने की बात है, खाली सोशल मीडिया माते वीडियो नौके ने नेताजी आप बोलिया ही, या मंच में से मैं ये बोल रहा हूं, उससे नहीं पूरा पड़ता है। जिस तरीके से कई लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठकर 200-300 किलोमीटर घूमते, लोगों के बीच में जाते, 36 कौम के बीच जाते, आपको पता है कि हमारा नेता वहां मिलेगा, रात को 2 बजे जाऊंगा तो खकड़ाएगा तो भी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, और ऐसा नेता जो नीडर है, डरेगा नहीं, मेरे तकलीफ है तो मेरे लिए सांस करके खड़ा रहेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा जब नेता बनोगे। और मैं हमेशा कहता आया हूं, मैंने रोज कहा है कि नेता बनना और लोग आपको नेता माने, उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। नेता कोई भी बन सकता है, मगर नेता वो होता है जिसको उसके साथी और प्रजा माने कि ये हमारा नेता है, वही नेता रहता है हमेशा। आज आप इतनी संख्या में आए हो, आज राजस्थान का इतिहास बना है। मैं जब जब राजनीति करता था तो बात करते थे लोग के जातिवादी नेता है रतन देवासी, रबारियों ने वगड़ाया, कह के नहीं कहता, कहता था समाज के लो। उसका दो कारण है, आप सुनना, मैं आज भी कह के जा रहा हूं, कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, नफा नुकसान नहीं देखता, और नफा नुकसान देखा होता तो चुनाव भी जीतता, मगर मन से समाज की और सबकी बात की है, इसलिए षड्यंत्रों का भी शिकार हुआ हूं, पर आपके प्यार मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है, और यह जिंदगी आप लोगों के नाम है, आप लोगों के नाम है। क्या होता है चुनाव, क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास में इस समाज की इतनी बड़ी ताकत, आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत होता है, वो मरने के बाद में भी यादों में रहता है। आपके ऊपर 100 चुनाव निछावर हो जाएंगे, मगर आपकी हित की बात करना नहीं छोड़ेंगे, आपके संघर्ष की बात करना नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल सही है, सही है, मैं वही कह रहा हूं। और जो लोग यहां बैठे, अभी वारदात हुई, सुन रहा आप लोग, भाई लक्ष्मण देवासी की हत्याकांड हो गया,
और उस 7 अगस्त के बाद ये जगदीश जी खड़े, खानू जी है, गणेश जी है, कई लोग बैठे हैं मंच पे खड़े। मैंने उनको कहा था कि आप जो उम्मीद कर रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ आएगी। हम हर गांव में घूमे, मुझे जो महसूस हुआ है मेरे 26 साल के राजनीतिक जीवन में, इस जोधपुर में करंट आएगा, सड़कों पे इतने लोग आएंगे। आप ये उम्मीद रखना, आप गवाओ आप लोग, मैंने आपको कहा था। कई नेता अभी बोले जिनको संज्ञान में नहीं था, अलग बात है, किसी ने बात की, समझदार व्यक्तियों ने बात को ढाकी होगी, मैं ढाक नहीं सकता क्योंकि मेरा जज्बा वो रहा है और उसी में खुद को नुकसान किया है। मगर प्रवचन देके ज्ञान अधिकतरों ने दिया हमारे मेहमानों को छोड़कर, इस पे बोला कोई, इस पे बोला? जिस दिन मैं बोला था, मुझे आज तक सैकड़ों लोगों ने कहा सर इतना खुला मत बोलो, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने पहले कहा था यह जीवन इस समाज और 36 कौम के नाम है, जो होगा उसका सामना करूंगा, मैदान छोड़कर मैं नहीं जा सकता। क्या होता है, अरे ये जीवन आपने दिया है तो मौत भी आपके नाम हो जाएगी, मगर इतिहास बना रहेगा और ये समाज प्रगति करता जाएगा। क्यों डरते हो भाई, क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो, सही बात करनी है तो? मैं तो नहीं डरा, ये गोवा भाई वहां थे, यहां बैठे सामने, मैंने पहले कहा रणछोड़ भाई, गोवा भाई, सागर भाई सब बैठे, हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श है, हमने बचपन से इनको देखा है। दूसरे दिन गोवा भाई का फोन आया मेरे पास, मावजी भाई, और मैंने कह दूं कि तू संभालना, ध्यान रखना, काम जैसा होगा होगा, उसको मजबूती से करना, मगर अपन सबका ध्यान रखना। मैंने कहा साहब ध्यान रखने वाली मेरी नियत और मेरी भावना होगी, नियत और भावना सही होगी तो बहादुर भी मैदान में जंग लड़के आएगा, तो या तो सर कलम होता है या फतेह करके वापस आता है। वो भागता नहीं है, वो मैदान से नहीं भागता है, वह उस मैदान में रहता है। मैंने उस दिन कहा, और यह बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे समस्त पत्रकार मित्र यहां है, आज सुबह भी कई पत्रकार मित्र आए थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया और चला भी टीवी पे, मैंने उनको भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो किसी समाज का नहीं होता है। अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, वो केवल अपराधी है, उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो अपराध करता है। उसके बीच में 2-4 जने ऐसे होते हैं जो समाजों में खाइया पड़ते हैं। हमारे किसी भी, मेरे साथ में विश्नोई समाज के कई भाई है, बहुत आदर्श है, मेरे लिए मेहनत करते हैं। ये रघु भाई परसों आए थे मीटिंग करने के लिए, इनके पास में प्रमुख 50 लोग आए मेरे समर्थन में बात करने के लिए, और सारे लोग थे। हमने कहा समाज की बात छोड़ो, हमारा तो प्रेम है, वो प्रेम रहेगा, कहीं भी त्रुटि होगी तो हम आगे आके मेहनत करके समाजों का प्रेम नहीं छूटने देंगे, मगर जो हत्यारा है वो एक भी नहीं बख्श पाएगा, उसके लिए जो कीमत चुकानी है वो चुकाएंगे और वापस चले जाएंगे हमने। और किसकी बात करते हैं, पत्रकार मित्र यहां है, राजस्थान में सामाजिक जीवन में कई तनाव होते हैं, कई घटनाएं होती है, लूट होते हैं, मर्डर होते हैं, हमने नहीं देखा क्या होता है, क्या हंगामा होता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होता है, मारपीट होती है। मैं गया जयपुर, मुझे कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप रबारी समाज धन्यवाद के पात्र हो, 20,000 लोग लाश पे बैठे रहे मगर एक व्यक्ति ने न तो नौकरी मांगी, न पैसा मांगा, ना कोई काम मांगा, ना हल्ला किया, ना किसी संपत्ति को नुकसान किया, किया तो सिर्फ ये कहा 36 कौम के रक्षा की, सुरक्षा की और न्याय की बात हम करके जाएंगे। ये राजस्थान की राजनीति और सामाजिक जीवन में उदाहरण बना है कि एक पेंसिल की नोक तक तोड़ने नहीं दी हम लोगों ने। तो फिर हमको कौन क्या शिक्षा देगा, कभी देखा है ऐसा? 20,000 लोग चौराहे पे सरेआम गोली मार दी गई, 6-6 गोलियां दाग दी गई, लाश पड़ी हुई है, पड़ोस के राज्य गुजरात के भी लोग वहां थे और किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ। ईमान से कह रहा हूं, जो भी मेरे साथी नेता है, जो भी हो, बैठ के आए उनका धन्यवाद, आप श्रद्धांजलि दे के आए,
मगर सही बात को वह प्रशासन को मिलकर और कैमरे पे आके बोलने की आपको रखना पड़ेगा। केवल सिर्फ बोल के व्हाट्सएप पे लिखने से कोई काम नहीं होगा, ये प्रजा अपने साथ है, नेताओं को भी देख रही है, हमको हमारा दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। वोट आते जाते, चुनाव समीकरण और तकदीर से जीते जाते, मगर जिस महाकुंभ की सौगंध लेके आप जा रहे हो, जो 77 साल बाद आज आप इकट्ठे हुए हो, वो इसलिए इकट्ठे हुए हो कि हम लोग इनकी आगेवाणी कर रहे हैं और ये कैसे आगे बढ़े उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसमें नीयत में कोई भी खोट आएगी तो आज से प्रतिज्ञा है कि जो भी व्यक्ति जो समाज का काम कर रहा है, आगेवान है, जो नेता है, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके 1% भी समाज के काम में और आगे आने में खोट आ जाएगी तो भगवान जतेश्वर और महादेव उसको देखेगा और ये समाज उसको अंत देखेगी। अब कह रहे, पहले कह रहे थे मेहनत कैसे हुई, क्या किया, हम में से कई लोग तो आके बोले हैं, आज भाषण दिया है, पर उस व्यक्ति को भी याद करो जो इस गुजरात के बॉर्डर से, हाड़ोती से, नागौर बीकानेर शेखावटी से, मेवाड़ से और पाकिस्तान के पास रण से हजारों हजारों लोग गाड़ियों में बसों में अपने घर का खर्चा डाल के आए। अरे नमन है ऐसे लोगों को, आपने जन्म दिया। मैं तो खुद गौरवान्वित हो गया कि आज इस समाज में हम लोगों ने जन्म हुआ है। आप सबको बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये कार्यकर्ता जिन्होंने यह काम किया, ये तंबू कैसे लगे, ये व्यवस्थाएं अच्छी की वो कम कैसे पड़ी, उनको कोई याद नहीं करता है। मगर मुझे प्रत्येक एक एक व्यक्ति का ध्यान है जो रात को 2-2 बजे तक मेरे से बात करते थे कि ये कमी रही है, ये व्यक्ति ये बोल रहा है। मैंने कहा काम किए जाओ, अच्छी बात सुनना, बाकी कान बंद करना, आयोजन सफल हो जाएगा। जो होमोन है मन को गोड़े है, जो आवेरिया है वे आवेन शांति थी बेन जाई ब्रो, तो लार लो अपने ध्यान रेवारी जरूरत नहीं है और यू तो आप परेशानी देखी है, संघर्ष में हम लोग चले ही है। मैं आपको अंतिम एक दो बात कह दूं कि सबने कहा, मैं उस बात को बीच में छूट गई थी और हमेशा मैंने कहा आज भी कह के जा रहा हूं कि सबने कहा रतन देवासी जातिवादी नेता है, रतन देवासी के रबारी जाए मातु खराब है, रबारी मातु नहीं खराब की दो तो क्यों नहीं होगा। सागर भाई, रणछोड़ भाई, गोवा भाई आप बैठे हो, आप लोगों ने क्या जिम्मेदारी दी कि चुनाव लड़ो, 36 कौम का प्यार मोहब्बत प्राप्त करो और अपने समाज को भी आगे बढ़ाओ, कल्याण करो। अगर मैं पहली बार जीत के गया और राजस्थान का डीसा धानेरा का और पूरे राजस्थान का रबारी मुझे मिलने आता, मेरे पास बैठता और 50 साल बाद में कोई प्रेम से देखने आता कि हमारा एमएलए बन गया है, कोई चाय पीने आता, कोई अपना काम लेने आया, तो क्या मैं उसको भगा देता। और जो विपक्ष के लोग थे उनको जीतने के लिए उन्होंने षड्यंत्र कर दिया कि कोरा रबारी से देखाई। मगर मैं आज भी कह रहा हूं 36 कौम के प्रेम और आशीर्वाद से कोई चुनाव भी नहीं जीता जाता, गांव में भी नहीं रह पाते। आज जितने भी 36 कौम के लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने वीडियो डाले, मैसेज डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, वो आपका समाज का प्रेम जो आपने वर्षों तक रखा है और आज जो ताकत बता रहे थे वो था। मैं उन सब लोगों को, सब समाजों को धन्यवाद देता हूं। मगर जिस समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाना है, जिस समाज को राजनीति में आगे बढ़ाना है, जिस समाज का संगठन तैयार करना है, जिस समाज के लिए आपको मजबूत होना है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनके लिए आगे बढ़ना है, तो उस समाज के लिए कभी पीछे नहीं होना। और अगर ऐसा जातिवाद करना पड़े तो एक नहीं 100 बार करना। और जो समाज से व्यवस्था बिगड़े, जिससे 36 कौम में प्रेम बिगड़े, जिससे हमको कोई पसंद नहीं करे, ये जातिवाद कभी मत करना। ये मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं। और अंत में आप लोग सब आए, यहां से आप वापस जाओगे, मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि आप लोग जिस तरीके से आज सुख शांति से आए, वापस जाते समय सड़कों पे और पैदल चलना पड़ेगा, भीड़ होगी, आराम से जाए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। पड़ोस में ही बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है अभी शाम को, तो इसलिए सावधानी से जावे, सुरक्षित जावे, किसी को तकलीफ नहीं हो। और मैं आपको कहता हूं अंत में, हमारे सारे समाज के लोग गवाह है यहां। ए नारानी, अरे अरे नारानी नारानी, मैं बोल रहा नारानी, ठहर 2 मिनट, मैं समापन कर रहा हूं, फिर लगाते रहना, ठहरो। मैं अंत में यही कहता हूं, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग हैं,
आपका आशीर्वाद इस समाज पे बना रहे, और ये आपको ग्रुप में डाल देंगे, एक मोबाइल नंबर है लिख लो, 9699990023। वापस बोल रहा हूं, 9699990023। हम ग्रुप में डाल रहे, इसको आपको मिस कॉल मारना है। केवल हम इस देश में इस मिस कॉल से इतिहास बनाएंगे कि हम महाकुंभ का सबसे बड़ा भाग ये भी बना है। अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और भगवान मेरे को बार बार ऐसी समाज में जन्म दे और मैं इसके काम आऊं, यही निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट हम सब खड़े रहेंगे, एक सेकेंड, दो चीज, एक ही चीज रही है, सब खड़े रहेंगे, कोई नहीं लेगा वहां से। अब दो मिनट के लिए हम लोग भाई लक्ष्मण देवासी को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद हम जाएंगे, आप सब खड़े रहे दो मिनट के लिए। ओम शांति, बिल्कुल जाए खड़े रहे। ओम शांति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान जैतेश्वर महाराज की, दोनों हाथ ऊंचे करके बोलो भगवान जैतेश्वर महादेव की, बोलो श्री भगवान शिव शंकर महादेव की, और इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए दोनों हाथ ऊपर करके सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करो, ताली बजा के बहुत जोरदार, और जोर से, और जोर से।